हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारे आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम को प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व करेंगे इस एग्जाम का हम सिर्फ़ एप्टीट्यूड पार्ट जो है इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एज़ यू नो कि आपको आपके एग्जाम में एप्टीट्यूड पार्ट से भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं तो इस वीडियो से आपको हेल्प हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो एप्टीट्यूड पार्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन तो ये क्वेश्चन जो है ये है जनवरी वन टू थाउजेंड एंड सेवन बाज़ मंडे बर्थ डे ऑफ द वीक लाइज ऑन जनवरी वन टू थाउजेंड एंड एट ये आपका कैलेंडर पार्ट जो होता है उसमें से पूछा गया है बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें कैलेंडर और क्लोक पार्ट से भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं तो इस पार्ट की भी आप अच्छे से प्रेपरेशन करें आप देखिए यहाँ पे जन वन टू थाउजेंड एंड सेवन की बात हो रही है कि उस दिन मंडे था ठीक है तो पूरे एक साल के बाद मतलब वन ईयर का गैप दिया है तो पूरा एक साल के बाद जैन वन टू थाउजेंड एट में कौन सा डे होगा तो यहाँ पे देखिए पूरा एक ऑर्डिनरी ईयर है यहाँ पे लीप ईयर नहीं बोला गया है और ना ही ये लीप ईयर होता है तो आपको पता है कि एक जो ऑर्डिनरी ईयर होता है नॉर्मल ईयर उसमें हमारे पास जो वन ऑर्डिनरी ईयर होता है इसमें हमारे पास कितने डेज़ होते हैं थ्री सिक्सटी फाइव डेज़ होते हैं ओके तो थ्री सिक्सटी फाइव को अगर हम वीक्स में कन्वर्ट करें तो ये वीक्स में क्यों कन्वर्ट करना है पहले तो देखिए ये फ़िफ्टी टू वीक्स बनते हैं ठीक है फ़िफ्टी टू वीक्स मतलब कि जैसे हफ्ते में सात दिन होते हैं आपको पता है और उसी के हिसाब से वो बार बार रिपीट होते हैं डेज़ जो हैं ना संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह से तो डेज़ का तो पता करना मुश्किल हो जाता है तो इसीलिए हम इसको वीक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास वन पूरा जो ऑर्डिनरी ईयर है वन ऑर्डिनरी ईयर जो है उसमें हमें पता है थ्री सिक्सटी फाइव डेज होते हैं और डेज़ को अगर हम वीक्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास फिफ्टी टू वीक्स प्लस वन डे जो है वो बच जाता है मतलब फिफ्टी टू वीक्स में हमारे पास थ्री सिक्सटी फोर डेज़ बनते हैं ठीक है तो एक एक्स्ट्रा बच गया ना ओके तो 52 वीक्स आपको पता ही है कि वही रेपिटिशन होती रहेगी है ना 52 वीक्स के बाद दोबारा से वही डे आ जाएगा है ना मतलब अगर 1 जनवरी 2007 को मंडे था तो पूरे 52 वीक्स के बाद भी वही डे आ जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे एक डे एक्स्ट्रा बन रहा है ठीक है ऑर्डिनरी ईयर है नॉर्मल ईयर है तो थ्री सिक्सटी फाइव डेज होते हैं आपको पता है तो वन ऑर्ड डे एक एक्स्ट्रा डे भी आ रहा है है ना वन ऑर्ड डे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है यहाँ पे तो अगर वन जनवरी 2007 सेवन को मंडे था ठीक है क्वेश्चन में यही बोला गया है अगर यहाँ मंडे था तो मंडे में एक दिन और ऐड करना है आपको तो वन जनवरी 2008 को कौन सा डे हो जाएगा मंडे से एक दिन ज़्यादा मतलब ट्यूजडे ओके okay? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है तो आपका जो राइट right आंसर बनता है यहाँ पे वो हो जाता है ऑप्शन बी डेट इज ट्यूजडे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ क्लोक आर स्ट्रेट ये क्लोक पार्ट से आया है एक क्लोक और कैलेंडर हमारे पास एप्टीट्यूड की जो भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं एप्टीट्यूड पार्ट के लिए कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ज़रूर ये चैप्टर जो है वो मिल जाएगा क्लॉक्स एंड कैलेंडर से रिलेटेड वहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं आपको यहाँ पे ये बताना है कि एक दिन में पूरे एक दिन में आपको पता है ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं पूरे एक दिन में ठीक है तो हैंड्स ऑफ क्लॉक जो घड़ी की सुइयाँ हैं जिनको हम हैंड्स कहते हैं वो स्ट्रेट होते हैं अब स्ट्रेट होने का क्या मतलब है अब जैसे ये क्लॉक में ड्रॉ करूँ सपोज़ ये ट्वेल्व होता है ये थ्री होता है ये सिक्स होता है और ये नाइन होता है ठीक है तो हैंड्स ऑफ क्लॉक जो हैं वो स्ट्रेट होंगे स्ट्रेट होंगे मतलब जो आवर्स वाली हैंड है और जो मिनट्स वाली हैंड है वो या तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएं ठीक है सेम उसमें आ जाएं ठीक है या फिर वो क्या हो एक दूसरे के अपोजिशन में आ जाएं ऑपोजिट टू ईच अदर आ जाएं ऐसे अब ये कह लूँ मैं कि एक नीडल ट्वेल्व पे है और दूसरी सिक्स पे है एक हैंड जो है वो हमारा ट्वेल्व पे है एक सिक्स पे है तो ऐसे भी वो एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं एक सपोज़ नाइन पे है और एक सपोज़ थ्री पे है तो भी वो स्ट्रेट में आ गए हैं इस तरह से भी वो स्ट्रेट में है इस तरह से भी वो स्ट्रेट में है या फिर कह लो कि दोनों ही नीडल्स थ्री पे आ जाएं या दोनों ही नीडल सिक्स पे आ जाएं या दोनों ही नीडल नाइन पे आ जाएं या ट्वेल्व पे आ जाएं या किसी भी और वन पे आ जाए टू पे आ जाए है ना ठीक है तो इस तरह से वो स्ट्रेट होती हैं तो जब हम इनको काउंट करते हैं तो ट्वेल्व आवर्स में मतलब बारह घंटों में ये जो नीडल्स होती हैं ये आपस में मतलब सेम उसमें या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्वाइनसाइड कर जाती हैं क्वाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना या एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह से अपोजिशन में चले जाना ठीक है तो ये ट्वेल्व आवर्स में ट्वेंटी टू टाइम्स होता है ओके okay, तो ट्वेंटी टू टाइम्स ये प्रोसेस जो है नीडल्स का स्ट्रेट लाइन में आने वाला हैपन होता है तो अगर ट्वेल्व आवर्स में ये ट्वेंटी टू टाइम्स इस तरह से मतलब क्वाइनसाइड करना मतलब एक के ऊपर ही दूसरी का आ जाना जैसे दोनों ही थ्री पे आ जाएं या दोनों ही टू पे आ जाएं या दोनों ही फोर पे आ जाए ठीक है एक तो ये केस हो गया ठीक है और दूसरा हो गया कि एक ट्वेल्व पे है और दूसरी सिक्स पे है एक थ्री पे है और दूसरी नाइन पे है इस तरह से तो ये हो जाती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में कहते हैं इसको हम तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो ट्वेल्व आवर्स में ये हैंड्स जो हैं वो ट्वेंटी टू टाइम्स इस तरह की सिचुएशन में आती हैं तो अगर ट्वेल्व आवर्स में ये ट्वेंटी टू टाइम्स आती हैं तो आपको पूछा है पूरा एक दिन पूरे एक दिन में आपको पता है कितने आवर्स होते हैं ट्वेंटी फ़ोर आवर्स होते हैं तो अगर ट्वेल्व आवर्स में ये ट्वेंटी टू टाइम्स आती हैं तो ट्वेल्व का दो गुना हो गया टू टाइम हो गया ट्वेंटी फ़ोर सिमिलरली ट्वेंटी टू का भी आप क्या कर दो डबल कर दो यानी कि कितने बार आ जाएंगी फोटी फोर टाइम्स आ जाएंगी ये पूरे एक दिन में इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ठीक है जी तो ये क्वेश्चन जो है अब इसको मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ट्वेल्व आवर्स के लिए कम से कम आप इसको ऐसे ही रट लीजिए कि ट्वेंटी टू टाइम्स ये इस तरह से आती हैं ठीक है, है? आ, क्योंकि वहाँ पे घड़ी बना के काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आपका कंज्यूम होगा पर फिर भी अगर सपोज इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और आपके पास आपको नहीं पता है तो उसको वहाँ पे इसके ऊपर टाइम जो है वो बाद में इन्वेस्ट करिएगा पहले आप अपना बाकी का पेपर सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम जाने वाला है आपका तो अगर आप इसी क्वेश्चन के पीछे पड़े रहेंगे तो आप जो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है यहाँ पे आपका तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बाद में बचा के रखिए कि जब बाद में आपको खाली टाइम मिलेगा तब आप इसको इस तरह से बना के भी सॉल्व कर सकते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाता है अगर तो आपको पता है आपने रटा हुआ है तब तो ठीक है बट अगर आपको करना पड़ेगा दिमाग लड़ाना पड़ेगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो उसको आप एंड में सॉल्व करिए पहले आप बाकी पेपर जो है वो अपना ख़त्म कर लीजिए क्योंकि ये बहुत सारा टाइम जो है वो आपका लेने वाला है और इसके अलावा आप कैलेंडर और क्लॉक वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि कितनी बार इस तरह से होता है ओके चलिए अगला क्वेश्चन जो है ए कैन रन हंड्रेड मीटर इन ट्वेंटी सेवन सेकेंड्स एंड बी इन थर्टी सेकेंड्स ए बीट्स बी वाई ए जो है वो हंड्रड मीटर को कवर करता है डिस्टेंस कितना है हंड्रेड मीटर है ठीक है टाइम कितना ले रहा है वो ट्वेंटी सेवन सेकेंड्स ले रहा है कौन ए ओके okay. अभी बी की बात हो रही है बी जो है उसी डिस्टेंस को डिस्टेंस हमारा अभी भी कितना है हंड्रेड मीटर है और टाइम जो है वो कितना ले रहा है थर्टी सेकेंड ले रहा है ओके अब आपको ये बताना है कि ए ने बी को हराया कितने से हराया अब ऑप्शन देखेंगे आप तो ये डिस्टेंस के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट करा हुआ है स्पीड के हिसाब से नहीं करा है तो पहले तो हमें दोनों की स्पीड निकाल लेनी है आपको पता है स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ भी आपका स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम आप दोनों में हंड्रेड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन और इस तरफ हंड्रेड डिवाइडेड बाय थर्टी कर लीजिए ठीक है जी तो हंड्रेड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन जो है वो आपका बन जाता है इट्स नियर अबाउट थ्री पॉइंट सेवन ज़ीरो ठीक है और ये बन जाता है आपका थ्री पॉइंट थ्री थ्री समथिंग है ना ओके अब स्पीड ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है तो हारेगा तो बी ही है ना पर ए ने कितने डिस्टेंस से उसको हराया है आपको ये बताना है यहाँ पे तो इस सिचुएशन को अब आप क्या करोगे कि अगर डिस्टेंस जो है वो उतना ही है लेकिन बी बी जो है वो थर्टी सेकेंड ले रहा है और ए जो है वो ट्वेंटी सेवन सेकेंड ले रहा है तो इस केस को फिर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इन ट्वेंटी सेवन सेकेंड कि जितना टाइम ए ने लिया है उतने टाइम पे बी कहाँ था ठीक है तो ट्वेंटी सेवन्थ सेकेंड जो था वो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था बी कवर अ डिस्टेंस बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था क्योंकि ए ने तो हंड्रेड कर दिया था उतने टाइम में ठीक है तो बी ने कितना कवर किया था अभी स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको पता है तो डिस्टेंस आप निकाल लीजिए यहाँ से डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम अभी बी की स्पीड आपने अभी अभी निकाली थी दैट इज़ थ्री पॉइंट थ्री थ्री और टाइम कितना लिया उसने अगर वो ट्वेंटी सेवन सेकेंड के हिसाब से हम देखें क्योंकि ए ने तो ट्वेंटी सेवन सेकेंड में अपना जो टारगेट है वो पा लिया था लेकिन बी जो है उसने थर्टी में कंप्लीट किया तो इसका मतलब वो ट्वेंटी सेवन सेकेंड में कहीं पीछे था तो वो कहाँ जैसे था ठीक है तो ये आपका मल्टीप्लाई करके हो जाता है एटी नाइन पॉइंट नाइन वन मीटर ओके तो अभी डिफरेंस कितना हो गया क्योंकि ए ने तो इतने टाइम में हंड्रेड कर दिया था कवर है ना तो ए ने तो हंड्रेड कर दिया था लेकिन बी जो है इतने ही टाइम में वी कहाँ था एटी नाइन पॉइंट वन पे था तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ अप्रोक्सीमेट टेन पॉइंट ज़ीरो नाइन मीटर तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली टेन लिख लेंगे कि टेन मीटर का गैप जो है उन दोनों के बीच में था तो इसका मतलब है कि ए ने बी को टेन मीटर से हराया है ठीक है जी चलो अगला क्वेश्चन वैसे ये इलेवेंथ और ट्वेल्थ नंबर जो हैं ये मैथमेटिकल पार्ट में भी आ जाएंगे आपके तो कोई बात नहीं अभी हम एप्टीट्यूड पार्ट कर रहे हैं तो इनको भी हम साथ में ही कर लेंगे द सिक्सटींथ टर्म ऑफ सीरीज थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एस ये तो मैथ से ही है आपका ए पी सीरीज जी पी सीरीज़ आपने पढ़ी होंगी तो ये एक ए पी सीरीज़ है ए पी सीरीज़ में हमें सिक्सटीनथ टर्म बतानी है तो हम पहले फर्स्ट टर्म जो होती है उसको ए से लिखते हैं तो वो थ्री है और एक होता है कॉमन डिफरेंस की सारी टर्म्स के बीच में कितना कितना डिफरेंस है तो इसके लिए हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं फाइव माइनस थ्री यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो टू टू का है तो जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स एंथ टर्म अगर हमें निकालनी है तो फार्मूला आप याद रखिए ए पी सीरीज में एंथ टर्म निकालने के लिए आप लगाते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए क्या है फर्स्ट टर्म है आपकी एन क्या है जितना भी नंबर ऑफ टर्म आपको बोला गया है निकालने के लिए वो और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो एन की जगह पे कितने नंबर टर्म पूछी गई है आपको सिक्सटीन टर्म ये टर्म है सिक्सटीन निकालनी है आपको ए आपका है थ्री प्लस एन है आपका सिक्सटीन माइनस वन कॉमन डिफरेंस कितना है टू का है ठीक है जी तो देखिए कितना बन गया ये थ्री थोड़ा जगह कम पड़ गई थी मेरे पास तो मैं दोबारा से लिख रही हूँ तो ये बन गया था आपका थ्री प्लस सिक्सटीन माइनस वन इंटू टू ये हो गया थ्री प्लस फिफ्टीन इंटू टू ये हो गया आपका थ्री प्लस फिफ्टीन इंटू टू हो गया थर्टी दैट इज़ थर्टी थ्री तो ऑप्शंस देख लीजिए आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये आपका नंबर सीरीज से है सिक्स नंबर सीरीज़ भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं नंबर सीरीज़ के ऊपर भी लेटर सीरीज़ के ऊपर भी आप वहाँ पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं कि किस किस तरह की नंबर सीरीज़ जो हैं आपसे पूछी जाती हैं तो ये हो गया आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह का आपको बताना है कि कितना आएगा तो पहले तो यहाँ पे आपको लॉजिक या पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है वो पता करना है तो पहला नंबर है आपका सिक्स अगला है सेवनटीन अगला है थर्टी नाइन और उससे भी अगला है सेवनटी टू तो सबसे कॉमन जो होता है वो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हमेशा पहले बी माइनस ए करके देख लीजिए अगर ये ए है ये बी है ये सी है है ना या वन टू थ्री इस तरह से भी रख सकते हो आप ठीक है तो हमेशा पहले माइनस करके देख लीजिए तो सेवनटीन माइनस सिक्स कितने हुए इलेवन हुए ओके ठीक है फिर ये दोनों करके देख लीजिए थर्टी नाइन माइनस सेवनटीन कितने हुए ट्वेंटी टू हुए ठीक है लग रहा है कुछ लॉजिक लग रहा है थर्ड हो गया ये माइनस डी माइनस सी कर लीजिए तो ये हो गया आपका थर्टी थ्री थर्टी नाइन ही है ना यहाँ पे तो ये आपका जो गैप बनता है वो कितने का बनता है ट्वेल्व हो गया यहाँ पे, यहाँ पे सिक्स हो गया ठीक है तो ट्वेल्व माइनस ये थर्टी थ्री ही हो गया वेरी गुड देखिए आपके पास एक लॉजिक पकड़ में आ गया पहले दो के बीच में कितने का गैप है इलेवन का गैप है अगले में ट्वेंटी टू का उससे अगले में थर्टी थ्री का मतलब इलेवन का मल्टीपल चल रहा है यहाँ पे तो इससे अगला क्या होगा अगला ओबियसली इलेवन ट्वेंटी टू थर्टी थ्री तो अगला क्या होगा फोर्टी फोर होगा तो अगले नंबर में आप क्या कर लो फोर्टी फोर का गैप डाल लो अगर आपके पास सेवेंटी टू है तो सेवेंटी टू में फोर्टी फोर प्लस कर लीजिए यह हो गया आपका वन हंड्रेड सिक्सटीन तो अगला नंबर आपका कितना आएगा वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है आपका इफ़ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फोर्टींथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट आपको अब ये बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को आपको उल्टे क्रम में लिखना है उल्टे क्रम में समझते हैं आप जैसे Z, Y, X, W, बी U, T, एस आर क्यू ठीक है नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं आप सीधी लिख लो उसको पढ़ना उल्टा है आपको क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से करना है ना इफ़ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में लिखें अगर हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फोर्टीन लेटर फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट मतलब इस साइड से गिनना है ठीक है तो अगर आपको मतलब ऐसे नहीं आ रहा लिखना कोई बात नहीं है नो no प्रॉब्लम आप ऐसे ही लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड अब ये वाला लेफ़्ट साइड है और ये वाला राइट साइड है पर उसने क्या कहा है कि रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो मतलब आपको इस तरफ से लिखना था यहाँ से है ना यहाँ से स्टार्ट करना था पर अभी आपको कंफ्यूजन ना हो तो आपने सीधा ही लिख लिया है तो आपको पढ़ना किधर से अब उसको उन्होंने बोला था लेफ़्ट से पढ़ना है लेफ्ट से पढ़ते तो मतलब यहाँ से पढ़ना था है ना तो आपको इधर से ही पढ़ना पड़ेगा अब इसको राइट साइड से पढ़ लोगे ना तो उल्टा ही हो गया अपने आप में ठीक है रिवर्स ही हो गया वो ओके okay, तो अब आपको क्या बताना है फोटीन लेटर कौन सा है लेफ़्ट से तो ये वन ये टू ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन कौन आया एम आया अब ऑप्शंस देख लीजिए ऑप्शंस में एम तो कहीं है नहीं तो इसमें क्या आएगा डी कोई भी नहीं है ना क्योंकि एन दिया है एम तो है ही नहीं यहाँ पे ओके okay, जी चलो आगे चलते हैं हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड जेंटलमैन विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स मतलब आपको जेंटलमैन जो है इससे जेंटलमैन को आ, बिल्कुल भी ऑर्डर जो है लेटर्स का चेंज नहीं करना है मतलब जिस भी ऑर्डर में लिखे गए हैं सारे लेटर्स जी इसी तरह से इसको रखना है चेंज नहीं कर सकते हो आप अपनी मर्जी से किसी को आगे किसी को पीछे नहीं लगा सकते हो तो आपको ये बताना है कि जेंटलमैन से कितने मीनिंगफुल वर्ड जो हैं शब्द जो हैं वो बन सकते हैं मतलब ऐसे शब्द जिनका कुछ मतलब भी हो कितने बन सकते हैं तो देखिए दो तो यहाँ पे क्लियरली वैसे ही दिख रहे हैं एक तो यहाँ पे जेंटल बन जाएगा ठीक है एक शब्द तो ये हो गया और दूसरा मैन बन जाएगा है ना दो तो आपको दिख ही रहे हैं ठीक है पर यहाँ पे एक और शब्द बनता है जेंट जी ई टी जेंट जो होता है ये एक इनफॉर्मल या ओल्ड फैशन वर्ड है जो जेंटलमैन के लिए यूज़ किया जाता रहा है है ना मतलब ओल्ड फैशन सा है पहले जेंट को जेंट्स या को जेंट जेंटलमैन को जेंट्स या जेंट भी कहते हैं कहते थे तो ये इसमें एक और मीनिंगफुल शब्द हो गया है जेंट ठीक है तो यहाँ पे यही तीन शब्द जो हैं मीनिंगफुल लेटर्स सॉरी मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं इन लेटर्स uh, को हिलाए बगैर ठीक है तो अगर तो इनका बोला हो कि चेंज कर दीजिए आगे पीछे कर दीजिए तो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं हमारे पास नए पर हमें ये बोला है कि इनका ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो आप तो कितने शब्द आपको दिख रहे हैं आपको वही बताने हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थ्री ओके okay जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है हमारा नेक्स्ट विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ये आपका लेटर सीरीज़ है हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ पे हम ऑलरेडी वीडियोज़ जो हैं वो डाल चुके हैं ठीक है तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपको किस किस तरह की जो लेटर सीरीज हैं वो होती हैं यहाँ पे थ्री नंबर वाली हैं ये थ्री हैं यहाँ पे देखिए वन टू थ्री ठीक है तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी इस तरह से हो तो आपको देखिए थ्री लेटर्स हैं यहाँ पे तीन अलग अलग हैं तो लॉजिक जो है वो तीनों में ही अलग अलग हो सकता है ओके okay. ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों शब्द जो हैं वो सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हों ठीक है पहला वाला अलग लॉजिक से चलेगा दूसरा वाला अलग लॉजिक फॉलो करेगा तीसरा वाला अलग करेगा सेम भी हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है पर जब आप सॉल्व करने जाओ तो आप क्या करो हरेक का पहले पहला पहला लेटर जो है वो उठा के चेक कर लीजिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है फिर दूसरा लेटर उठाइए फिर तीसरा उठाइए तब आप जल्दी और इजी वे में लॉजिक जो है वो पकड़ पाएंगे अगर आप तीनों को एक साथ लेके चलोगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे चल रहा है तो पहले तो वही है कि आप अपनी अल्फाबेट्स को सीक्वेंस ऑर्डर में लिख लीजिए पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पहला मैंने जैसा बोला पी है ओके तो देखिए ये रहा आपका पी ठीक है तो दूसरे में है क्यू है ना मतलब दूसरे में इधर क्यू है तीसरे में सी है यू वी डब्ल्यू वाई है चलो पहले हम इन तीनों को ही देख लेते हैं पी से गया है आर आर से गया है टी ओके एक, एक लेटर छोड़ा गया है क्यू से ओ है ना ओ से एम यहाँ भी छोड़ा एक एक ही गया है बीच में पर ये फॉर्वर्ड में चल रहा था और दूसरा वाला जो है वो रिवर्स में चल रहा है तीसरे वाले में सी से ई e, ई e से जी जे भी फॉरवर्ड में गया है चौथे वाले में यू से डब्ल्यू और W से Y ये भी फारवर्ड है मतलब ये D वाला C वाला और A वाला ये तीनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं मतलब ये एक, -एक छोड़ के फारवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन Q O M पैटर्न इसमें भी वही है लॉजिक इसमें भी वही है बट ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है रिवर्स में जा रहा है तो यही सबसे अलग हुआ यहाँ पर तो आपका राइट right आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी क्यू ओ एम चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं एज नेक्ड इज रिलेटेड टू क्लोथ इन द सेम वे थर्स्टी इज रिलेटेड टू विच ऑब्वियसली ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है कि अगर नेक्ड शब्द जो है नेक्ड यानी कि नंगा संबंधित है वस्त्र से मतलब ऑब्वियसली जो नेक्ड है उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है क्लोथ की है ना कपड़े की ज़रूरत होती है सिमिलरली जो प्यासा है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है ओब्वियसली वाटर की पानी की ठीक है तो इसका आंसर है आपका वाटर चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एटीन है हमारे पास कोडिंग uh, डी से आ गया है ये इन अ कोड बॉक्सर इज रिटर्न एज दिस विजिट इन द सेम कोड आपको लिखना है तो इसके लिए भी वही मेथड है कि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को लिख लीजिए पहले ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पहले आपको जो दिया हुआ है उसका लॉजिक पता करना है कि उसमें कौन सा लॉजिक जो है वो लगाया गया है जब आपको लॉजिक पकड़ में आ जाए तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे ठीक है अभी ए बी सी डी लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास ये जरूर लिख के रखिए एक बार पेपर में क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्प करता है इससे जल, जल्दी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं ठीक है टाइम कम लगता है और गलती होने का चांस जो है वो कम रहता है इस तरह से U V W X Y Z चलिए B की जगह पे देखिए A है मतलब B से हम पीछे की ओर आए हुए हैं एक नंबर ओके okay, ओ की जगह पे क्यू लिखा गया है अब ये रहा आपका ओ और ये रहा क्यू है ना ओ से फिर एक डिजिट बीच में छोड़ के आगे की ओर गए हैं क्यू की तरफ ठीक है एक्स से कहाँ गए हैं देखिए बिल्कुल बैक चले हैं एक नंबर डब्ल्यू पहुँच गए हैं ठीक है और ई e से आइए एक छोड़ के अगले की ओर गए हैं तो आपको लॉजिक पकड़ में आ गया होगा पहले वाले के लिए हम बिल्कुल साथ वाले पीछे वाले की तरफ चल रहे हैं तो बी से बिल्कुल पीछे वाला कौन है यू है है ना और अगले शब्द के लिए हम आगे जा रहे हैं पर एक बीच में खाली छोड़ रहे हैं तो आई से अगला जे था जे को नहीं लेना है उससे अगले की ओर चलना है तो के हो गया ठीक है इसी तरह से एस से बिल्कुल इससे पीछे वाला एस से बिल्कुल पीछे वाला कौन है यहाँ आर है, है ना? और आई से फिर से के ही होगा ठीक है और टी ये आई से हमने क्या करना था एक छोड़ के आगे की ओर जाना था तो टी से हम फिर से क्या करेंगे बिल्कुल साथ वाले की तरफ रिवर्स चलेंगे तो ये हो गया आपका एस देखिए बड़ी आसानी से बन गया यू के आर के एस ऑप्शंस देख लीजिए कौन सा आपके आंसर के साथ मैच हो रहा है दैट इज ऑप्शन सी तो कोडिंग डिकोडिंग करते टाइम भी आप पहले क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए और साथ ही साथ अपनी अल्फाबेटिकली पूरी अल्फाबेट uh, जो हैं हमारे उनको सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए ताकि आपको जल्दी लॉजिक जो है वो पकड़ में आ जाए अगला क्वेश्चन जो है इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेंटी वन विच आर डिविजिबल बाय टू बहुत आसान है आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है एक से ट्वेंटी वन तक जो टू से डिविजिबल हैं सीधी सी बात है टू का टेबल लिख लीजिए इसी तरह से ये बढ़ता क्रम भी हो गया दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस इक्कीस तो ले नहीं सकते क्योंकि इक्कीस डिविजिबल नहीं होता है टू से देन बिच बिल द नंबर एट सिक्स प्लेस फ्रॉम राइट ये लेफ्ट है ये राइट right है राइट से आपको देखना है कौन सा नंबर पूछा है सिक्स्थ प्लेस पे कौन है ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स कौन आया ऑबियसली टेन आया ठीक है जी तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया यहाँ पे चलिए अभी हमारे एप्टीट्यूड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो आपका रिलेशंस से है हर एक पेपर में रिलेशन से भी ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है तो रिलेशन को भी आप ज़रूर ज़रूर प्रैक्टिस भी करिए और ट्राई भी ज़रूर करिए पेपर में मदर ऑफ़ क्यू इज़ अ सिस्टर ऑफ़ पी ठीक है क्यू की जो मदर है वो पी की बहन है और एम की पुत्री है तो एम जो है उसकी डॉटर है ठीक है कौन क्यू की माता पी की बहन है क्यू इज़ सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम एम की डॉटर कौन है क्यू है ठीक है और साथ ही साथ ये पी की सिस्टर भी है ओके okay. ठीक है आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी लगा के ट्राई कर सकते हैं आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि आप खुद क्यों हैं तो आपकी मदर और आपकी बहन को आप इमेजिन कर सकते हैं तो आपको जल्दी पकड़ में आ जाता है क्वेश्चन की रिलेशन क्या बनेगा ठीक है तो एम की डॉटर है क्यों और पी की सिस्टर है ओके आगे क्या बोला गया है एस इज़ द डॉटर ऑफ पी अब ये आगे ए, 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 पी की डॉटर हो गई है एस ठीक है एंड सिस्टर ऑफ टी ठीक है और ये और ये दोनों जो हैं एस और टी जो हैं वो भाई बहन कह लीजिए या बहनें कह लीजिए ठीक है कोई बात नहीं बट इज़ द रिलेशन ऑफ एम विद टी आपको एम का रिलेशन बताना है टी के साथ ठीक है समझिए क्वेश्चन जो क्यू है उसकी मदर है ये एम ठीक है उसकी मदर है एम ठीक है उसकी बहन है पी ठीक है ये दोनों बहनें हैं सपोज ठीक है पी और क्यू बहने हैं तो इनकी मदर है ठीक है एम ओके तो इन दोनों की मदर है एम और पी की आगे बेटियां हैं कह लो दोनों या बेटे हैं कुछ भी कह लो है ना तो टी जो है उसका एम के साथ क्या रिलेशन हुआ तो अगर पी और क्यू दोनों बहनें हैं और उन दोनों के बच्चे हैं आगे ये एस और टी तो इनका एम के साथ क्या रिलेशन हुआ तो एम इनकी नानी लगती है उस हिसाब से है ना ठीक है तो एम जो है नानी कह लो या नाना कह लो यहाँ मेंशन तो है नहीं ठीक है आ, नहीं सॉरी डॉटर डॉटर ही लिखा है तो एम जो है वो फादर भी हो सकता है मतलब इनका या मदर भी हो सकती है वो पूछा नहीं है नाना या नानी कुछ ऐसा लगेगा जो टी है और एम है इनका आपस में रिलेशन जो है वो नानी वाला हो जाएगा या नाना वाला हो जाएगा तो इनमें से जो ऑप्शन है फिर आप वहाँ चलिए पिता तो बिल्कुल नहीं है माता भी नहीं है पुत्र भी नहीं है तो ओब्वियसली इनमें जो रिलेशन है वो यहाँ पे दिया ही नहीं है तो आपका ऑप्शन जो है डी है यहाँ पे राइट आंसर नन ऑफ दीस ठीक है जी तो आज के इस वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेगा इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को थैंक यू